नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट हैं, कुल 4 पार्ट हैं। और 4 पार्ट में आपको क्वेश्चन करना क्या है, क्वेश्चन करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। पहले तो आपको ये पता करना है कि ये जो पेयर दिए हुए हैं इनका सॉल्यूशन यूनिक होगा या नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। साथ में अगर ये बताना है कि इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर इस केस में ये यूनिक सॉल्यूशन पाया जाता है तो आपको इस पेयर ऑफ इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना होगा, जो मेथड आपके लिए बहुत ईजी कर दिया गया है। मेरे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, ए वन अपान ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू। जो रेशियो ए वन अपान ए टू का है वो अगर बी वन अपान बी टू के इक्वल नहीं हो रहा है तो लाइन इंटरसेक्टिंग है और वह जो होगा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा है कि ए वन अपान ए टू का रेशियो बी वन अपान बी टू के इक्वल हो बट सी वन अपान सी टू के इक्वल नहीं हो तो वहां होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा वहां पर। बट अगर ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज इक्वल टू सी वन अपान सी टू, ये 3 रेशियोज हैं, अगर ये तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो मेनी सॉल्यूशन होगा। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक, इसी क्वेश्चन को इसी रूल को फॉलो करेंगे आप। यहां पर ए वन पर कोई नंबर नहीं है 1 और ए टू पर 3, दिस इज -3 एंड -9 और यहां पर -3 एंड -2। देखें ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू 1/3। ठीक, अब आपने लिखा बी वन अपान बी टू इज इक्वल टू -3 -9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 1/3। बट सी वन अपान सी टू इज इक्वल टू -3 -2, इट बिकम 3/2 ओनली। ओके, तो आप ये पा रहे हैं कि ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू। ठीक है ना, नॉट इक्वल टू, तो यहां पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक, क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक, इसे आप कॉपी कर लें, इसके बाद हम इसके सेकेंड पार्ट को करेंगे। स्टूडेंट यहां पर 3.5 का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को आपने देखा कि वो नो सॉल्यूशन आया तो उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। यहां पर आप लिखें ए वन इज इक्वल टू 2 एंड ए टू इज इक्वल टू 3, बी वन एंड बी टू। ठीक है, यह ए वन होते हैं ए टू, बी वन बी टू, सी वन सी टू, तो यहां पर 1 हो गया और यहां पर ये 2 हो गया। सी वन और सी टू इज 5 एंड 8। आपने क्या करना है, ए वन अपान ए टू, ठीक, यहां पर आप लिखेंगे 2/3। ओके, एंड बी वन अपान बी टू इज इक्वल टू 1/2, सी वन अपान सी टू इज इक्वल टू 5/8। फाइनली आप क्या पा रहे हो कि 2/3 1/2 के इक्वल नहीं है, तब आप यहां लिखेंगे ए वन अपान ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, और कह रहा है कि इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट्स बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से आपको बताया गया कि यहां पर आप क्या लिखेंगे एक्स, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन करेंगे एक्स। अब मैंने क्या बताया था भैया, एक्स है तो इसको छिपा दो, यहां पर क्या जाएगा 1 और 2 और इस नंबर को ले लो 5 और 8, ऑलवेज -5। वाई के लिए जब आपको वाई लिखना होगा तो वाई वाले को आप छिपा दीजिए, क्या दिख रहा है मुझे,
टू थ्री और सेकेंड में फाइव एंड एट, और जब ये कांस्टेंट टर्म इक्वल के राइट साइड में होता है तो यहां पर नंबर माइनस में लिखा जाता है, माइनस वन, ठीक है ना। और इसको आप छिपा देंगे तो यहां पर आपके पास टू थ्री एंड वन और टू। अब क्या करिएगा, एक्स यहां पर एट वन जा एट एंड फाइव टू जा टेन, ठीक है ना जी। इस नंबर की पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत याद रखिएगा इस चीज को, और इसको सेकंड में करेंगे। यहां पर माइनस वाई इसकी पहले जाएगी, एट टू जा सिक्सटीन एंड थ्री फाइव जा फिफ्टीन, माइनस वन और टू टू जा फोर, थ्री वन जा थ्री, एक्स माइनस कितना हो गया यहां पर टू, माइनस वाई यहां पर माइनस वाई है सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन वन, माइनस वन फोर माइनस थ्री इक्वल टू वन। ये रेशियोज आपस में इक्वल हैं, तो एक्स अपान माइनस टू माइनस वन अपान वन आप लिखेंगे यहां पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें एक्स और माइनस टू की प्लस हो जाएगी, तो यहां पर टू, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई टू। सेम माइनस वाई अपान वन इज इक्वल टू माइनस वन अपान वन, देखिए यहां से इसको करें माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, वाई इज इक्वल टू वन वन जा वन, एक्स की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। इसे अच्छी तरह से आप कॉपी कर लें, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके पूछें और इसे कॉपी कर लें। इसके बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट को हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में भी आप उसी तरह से पहले ए वन ए टू मेंशन कर लें, ए वन थ्री ए टू सिक्स, बी वन माइनस फाइव, ठीक है ना, माइनस फाइव और बी टू इज इक्वल टू माइनस टेन, सी वन अपान सी टू इज इक्वल टू ट्वेंटी अपान फोर्टी, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर थ्री वन जा थ्री टू जा सिक्स, ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू वन अपान टू, माइनस माइनस से कैंसिल, फाइव वन जा फाइव टू जा, बी वन अपान बी टू इज इक्वल टू वन अपान टू, जीरो जीरो से कैंसिल, टू वन जा टू टू जा, सी वन अपान सी टू इज इक्वल टू वन अपान टू, ऑल आर इक्वल। तो यहां पर आपने लिखा कि ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज इक्वल टू सी वन अपान सी टू, ठीक है ना। ये सारे इक्वल हो गए तो ये क्या हो जाएगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक। अगर हम इसको सॉल्व करें तो x की जो वैल्यू आएगी वो एक से ज्यादा आएगी, y की वैल्यू एक से ज्यादा आएगी, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि केवल कहा गया कि इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग। अगर मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिलता है इस मेथड से, इस सिस्टम को अपना करके यहाँ पर पता लग जाता है कि ए वन अपान ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू, तो हम इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करेंगे, वरना इस क्वेश्चन को आप यहीं पर लीव कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ पहले से आप कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का, 3.5 का क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ पार्ट है। यहां पर भी आप वही अपनाएंगे, पहले इस सिस्टम को लाएं कि यहां पर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, पहले हमें यह पता करना होगा। आइए ए वन अपान ए टू, ए वन पर क्या है वन और यहां पर थ्री, चलिए बी वन अपान बी टू, यहां पर माइनस थ्री और अपान माइनस थ्री कैंसिल होकर क्या हो जाएगा वन, सी वन अपान सी टू इज इक्वल टू माइनस सेवन माइनस फिफ्टीन। आप क्या करेंगे यहां पर, आप देख रहे हैं कि ए वन अपान ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू, बट मुझे इसको देखना ही नहीं है क्योंकि मेरे आंसर्स को तो यहीं पर हमें मिल गया कि ए वन अपान ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x मैंने कहा कि x वाले के नीचे x वाला नक्टर नहीं लिखेंगे, यहां पर क्या है माइनस थ्री
और यहां पर माइनस थ्री, माइनस सेवन माइनस फिफ्टीन। वाई को हम माइनस में लिखेंगे हमेशा, मैंने बताया कि माइनस में ही लिखना है। फिर क्या करिएगा यहां पर, यहां पर वाई लिखने के लिए क्या करेंगे, वाई को छिपा दें, तो यहां पर वन और कितना हो गया थ्री, वन थ्री, इसको छिपा दिया आपने, तो यहां पर हो गया माइनस सेवन माइनस फिफ्टीन। और यहां पर जो होगा वन, अब ये वन जो होगा ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव तब होगा जब ये कॉन्स्टेंट टर्म इस साइड में होगा, तो यहां पर आप लिखेंगे और इसको आप छिपा दें, तो वन थ्री माइनस थ्री एंड माइनस थ्री, ठीक। अब आप क्या करें, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने बताया कि पहले इस टर्म किस टर्म से होगी, फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव, माइनस का साइन लगाएंगे, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन। माइनस वाई, इसको करेंगे माइनस फिफ्टीन और यहां पर माइनस लगाएंगे और इधर ये माइनस में जाएगा ट्वेंटी वन, ठीक है, इज इक्वल टू वन। ये माइनस थ्री हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएं, थ्री थ्री जा नाइन, ये भी माइनस में होगा, ठीक है ना। एक्स फाइव माइनस वन इक्वल टू फोर, फोर माइनस टू ट्वेंटी फोर। माइनस वाई, यहां पर ये प्लस हो जाएगा, प्लस ट्वेंटी वन, इलेवन माइनस फाइव इक्वल टू सिक्स, ठीक है ना। यहां पर क्या जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ट्वेंटी वन से फिफ्टीन निकालेंगे कितना जाएगा, सिक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू वन। यहां पर माइनस माइनस प्लस, नाइन माइनस थ्री इक्वल टू सिक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, एक्स अपान ट्वेंटी फोर, यह रेशियो इस रेशियो को इक्वल माना जाएगा, तो यहां पर वन अपान सिक्स लगा दें, दिस इज सिक्स एक्स ट्वेंटी फोर, सो एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर अपान सिक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया फोर, एक्स की वैल्यू फोर आ गई, ठीक है ना। अब यहां पर माइनस वाई अपान सिक्स, वन अपान सिक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस सिक्स वाई हो जाएगा और यहां पर सिक्स हो जाएगा, y इज इक्वल टू सिक्स अपान माइनस सिक्स, माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वन, और y की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वन हो गई, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी मेथड से आपको बताया गया, बहुत इजी मेथड से बताया गया है। इस क्वेश्चन को आप जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, वीडियो शेयर करें ना करें, लेकिन आप उन्हें बताएं, इसे बताने से क्या होगा, आपका नॉलेज और बढ़ेगा, ठीक है। थैंक्स टू वॉचिंग।